रायबरेली किसानी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए सलोन मजिस्ट्रेट को किसान यूनियन के नेताओं घंटों बंधक बनाकर नसीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलिया राकेश टिकैत गुट के नेता जिलोपाध्यक्ष शिव बहादुर सिंह और शिव प्रसाद यादव आलम जाहिर राम अंसारी ने सैकड़ों किसानों के साथ मिलकर सुबह 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक 800 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसकी सूचना मिलने पर शाम 5 बजे सलोन नायब तहसीलदार अभिनव शुक्ला मौके पर पहुंचे, ज्ञापन लेने की बात कही तो किसान नेता भड़क गए। नायब तहसीलदार को बंधक बनाकर अपने बीच में बैठाकर घंटों बैठा कर रखा और खंड विकास अधिकारी को बुलाने पर अड़े रहे। थोड़ी ही देर बाद छतोह ए डीपू पंचायत जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, किसान नेताओं से माफ़ी मांगते हुए समस्या का समाधान कराने का वादा किया। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए राम भवन रायबरेली उत्तर प्रदेश। जी सर, अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। मैं जितेंद्र जी, एडीओ पंचायत जी, प्रभारी छतोह। सर, आज किसानों द्वारा आपको ज्ञापन दिया गया है, क्या आश्वासन दिया जा रहा है, कि क्या क्या मांगे हैं, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? किसानों की जो मांगे हैं जी, उनको कल मौके पर वहां पर जाकर के जो संपर्क मार्ग बनाने के लिए कह रहे हैं जी, जो साफ़ सफाई के लिए कह रहे हैं, उसको मौके पर जाकर के वहाँ पर निस्तारित करेंगे जी। कल पुनः काजीपुर देलियानी हम पहुँचेंगे और जो भी इसमें मांग की गई है उसको वहाँ पर तुरंत निस्तारित कराएंगे। सर, एक कच्चा मार्ग वहाँ कई विगत वर्षों से मांग की जा रही है, उसको क्या कहना चाहेंगे? जब तक अभी तक उसमें काम, ग्राम पंचायत अधिकारी ने अभी हमसे फ़ोन पर बताया है कि उसको कार्य योजना में ले लिया गया है, अगर एस्टीमेट कल परसों में बन जाएगा तो उस पर काम भी लग जाएगा मनरेगा द्वारा।